हमारी सरकारें भले ही वातावरण को साफ सुथरा बनाने की बात कहती हैं, प्रदूषण से निपटने के लिए नियम कायदे भी बनाए गए हैं, जब तक प्रदूषण की रोकथाम के लिए संबंधित सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायदे भी होती हैं। पर क्या इस दम घोटू तस्वीर को देखकर लगता है कि नियम कायदों को मानने की जरा भी किसी को परवाह है? फैलते प्रदूषण की ये जीती जागती तस्वीर है उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 54 की, जहाँ दरअसल कूड़े के ढेर में आग लगा दी गई, जिसके बाद आसपास कूड़े की बदबू और आग धुआं ऐसा फैला कि यहाँ का हर बाशिंदा, आते जाते लोग सांस ले तो रहे हैं लेकिन वो भी जहरीली। यहाँ के लोगों को सफाई कर्मियों पर शक है कि उन्होंने ही कूड़े के ढेर में आग लगाई है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर आईं। रात में लगी ये आग इतनी भयंकर थी कि सुबह तक ही इस आग पर काबू पाया जा सका। आग तो बुझ गई लेकिन पीछे छोड़ गई जहरीला वातावरण। वैसे ही इन दिनों दिल्ली NCR प्रदूषण की गहरी चपेट में है, ऐसे में इस जहरीले माहौल में ही लोग सांस लेने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू है ताकि सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोका जा सके। ग्रेप में तमाम तरीके की रोक और इंतजाम करने को कहा गया है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली NCR का वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाए खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।